जबकि दूसरी जानिब 6 महीनों तक यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश के बाद तालीम बहाल हो चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी खुलने पर तलबा और साथ-साथ खुश हैं। यूनिवर्सिटी में कोरोना जाब्ता का कैसे इतला किया जा रहा है बता रहे हैं अकमल सुमरू अपनी रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट तलबा के लिए खोल दिए गए हैं। तालीम बहाल हुई तो तलबा की खुशी दीदनी थी। दाखिली दरवाजों पर गार्ड्स ने कोरोना जाब्ते के तहत बरकी थर्मामीटर से हर शख्स का जिस्मानी दर्जा हरारत मापा, जबकि हुकाम की जानिब से मास्क भी तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी के शोबाजात का मुआयना करने के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर न्याज अहमद ने इंस्पेक्शन की। जो हिदायत हैं SOPs हैं वो हमने डिस्प्ले भी किए हैं और प्रैक्टिकली हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल बगैर मास्क के इंटर नहीं हो रहा। फिर सैनिटाइजर्स हम रखे हुए हैं। आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ख्याल किया हुआ है। जो SOPs के मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही करें, अपने टीचर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, कि इन SOPs का ख्याल करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ MPhil और PhD स्कॉलर्स के लिए क्लासेस का आगाज हुआ है। क्लासरूम में मास्क पहने तलबा के दरमियान 3 फीट का फासला रखा गया। तलबा कहते हैं कि तालीम मुअत्तल होने से वो परेशान रहे। सबसे पहले टीचर्स भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं और हमें भी जो है गाइड करें कि हमें जो है साथ साथ जो है SOPs को फॉलो करना चाहिए। 6 महीने का गैप बीच में रहा, उसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी, मीट पे क्लासेस होती रही, उनमें जो गैप है दरमियान में वो कवर होता रहा। लेकिन लास्ट पे आके हमारा थीसिस का जो वक्त था उसके लिए हमारा फेस टू फेस होना, टीचर से मिलना, उनसे काम चेक करवाना और वो सारा काम करना ज़रूरी था। ज़िंदगी हर किसी को प्यारी होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग तमाम SOPs पर अमल करें। हमारे लिए भी ज़रूरी है और जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में BS ऑनर्स और मास्टर्स की क्लासेस का अजरा 2 नवंबर से होगा, जबकि MPhil और PhD स्कॉलर्स के लिए हॉस्टल्स 22 सितंबर से खुलेंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42।